लीजिएगा, ये आपका एक पहाड़ी है और यहाँ पे भैया एक आपका टावर है। कहता है एक टावर के पाद से, यानी कि ये आपका टावर है, ठीक है, ये टावर है, ये क्या है, पहाड़ी है। तो टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी इसका पाद यानी इसका जड़ से ये पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो कह रहा है 60 डिग्री है, तथा तथा पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण भैया 30 डिग्री है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। आगे क्या बोलता है कि टावर के ऊंचाई 50 मीटर है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है 50 मीटर, तो आपको बताना है कि ये पहाड़ी का ऊंचाई क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं हल कर लीजिएगा, तो बिल्कुल हल कर लीजिएगा भैया। अब इसको मैं कॉमन ए वाला, इसको आप लंबवत भुजा मान लो, इसको आप लंब मान लो, इसको क्या मान लो, लंब भुजा। लंबवत भुजा का मान क्या होगा, हमेशा √3 होगा, और लंबवत भुजा से ए वाला पूरा लंबवत भुजा मान लिए ए वाला को, देखो ये भी लंबत, ये भी लंबत, ये भी कोई भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये भी लंबत भुजा है, ये भी लंबत भुजा है, जिसको भी मानो, तो जो कॉमन है उसी को लंबत भुजा मानिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो लंबत भुजा का मान कितना होगा, √3। तो यहां से देखो, अगर ये वाला 60 है ये वाला त्रिभुज में, तो ये वाला तो 30 होगा, इतना तो जानते ही होंगे, ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 होगा, ये तो आपको पता ही है। तो लंबत भुजा से 30 का दूरी भैया 3 होता है, और लंबत भुजा से 60 का दूरी भैया 1 होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू आपको दिया होगा, तो टावर का ऊंचाई कितना 50, अब बटा में इसी का अनुपातिक मान कितना 1, हमसे पूछता है पहाड़ी की ऊंचाई, ये वाला मान हमसे पूछ रहा है, यानी 3 से गुना, यानी 150 मीटर, हमारे प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है, इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना लेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, जिसका हल करके आप उत्तर कमेंट्स बॉक्स में भैया दे देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगले टाइप का, इसको हम बताते हैं। कहता है 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का कोण, यानी कि यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है दोस्त कि 18 मीटर, ये है आपका 18 मीटर एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है, 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत, लो इसे बड़ा इमारत ये है, इसका नाम दे देते हैं इमारत, बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी यहाँ इसके शीर्ष से इसका उन्नयन कोण जो है कितना है 45 डिग्री है, ये कह रहा है। क्लियर है कि 18 मीटर ऊंची एक मीनार के से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इसी इमारत के तल का अवनवन कोण 60 डिग्री है, इसी इमारत के तल का यहाँ से अवनवन कोण ये वाला जो है 60 डिग्री है, इसको मिला देते हैं 60 डिग्री है, तो इमारत का ऊंचाई क्या होगा मीटर में, ये आपका क्वेश्चन है। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं बना डालेगा, तो बिल्कुल बना डालेगा, एक वैल्यू आपको जरूर देगा। अब यहाँ पे गौर करिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, आपको पता है जो कॉमन है उसको लंबवत भुजा मान लेना है, अगर इसको हम लंब मान लेते हैं तो भुजा की लंबाई कितना ले लेना है भैया, तो कहेंगे √3, कितना √3, तो लंबवत भुजा से 45 का दूरी, ये 45 है तो यह भी एंगल आपका 45 हो जाएगा, ये 60 है तो यह एंगल आपका 30 हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। तो लंबवत भुजा से 45 का दूरी आपका हो जाएगा √3 मीटर, और लंबवत भुजा से 30 का दूरी आपका हो जाएगा 3। क्लियर है, हाँ या ना। अब जिसका उत्तर निकालना है उसका उत्तर निकाल दो, वैल्यू आपको दिया हुआ है 18 मीटर ऊपर डालो, इसका अनुपातिक मान अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3 होगा, तो इसका अनुपातिक मान को नीचे डाल दो, जो आपसे पूछता है उससे गुना कर दो, आपसे इमारत की ऊंचाई पूछता है यानी यहां से यहां तक की दूरी पूछता है, तो बता दो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, तो कहोगे 3 + √3 है, नहीं पूरा इमारत की दूरी 3 + √3 है, इससे गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 6 बार में कट गया, यानी 6 × 3 + √3 मीटर, 6 × 3 + √3 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या एक तरीका समझ में आया, तो देखिए कुछ भी आपको नहीं रखना है, सिर्फ लंबत भुजा से 60 की दूरी 1 होगा, 45 की दूरी 3 होगा, और 30 का दूरी 1 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, जिसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, हमें पूर्ण विश्वास